इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ लाइट शो होना है, फायरवर्क होना है। करीब 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम स्टेडियम के ऊपर करतब दिखाएगी। इसका साथ देंगे BAE हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट। एक तरफ धरती पर रोहित की सेना भिड़ती नजर आएगी और दूसरी तरफ आकाश में वायु सेना जलवा बिखेरती नजर आएगी। इस बार इस वर्ल्ड कप में दुआ लिपा जो ग्रामी अवार्ड विनर है उन्हें भी इस क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। इसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी लाठी है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे, ICC ने हर उस कप्तान को बुलाया जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ताकि वो सारे के सारे आए इस वर्ल्ड कप में शिरकत करें फाइनल के अंदर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है, औकात है पाकिस्तान की PCB की इस तरह स्टेडियम बनाए। यार बस वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारियां चल रही है भाई जोरों शोर से, और क्या क्या स्टोरियां आ रही है यार कि मतलब लाखों लाखों में जो है होटल कमरे मिल रहे हैं, और मतलब एयरलाइन टिकट्स इतनी हो गई हैं, जो प्राइवेट जो मतलब एलीट क्लास के जो लोग हैं बॉलीवुड और बिजनेस और ये वो, उनको जगह नहीं मिल रही है अपने प्राइवेट जेट्स पार्क करने की भाई अहमदाबाद में। मतलब के मुताबिक फाइनल मैच में PM नरेंद्र मोदी भी चीफ गेस्ट के तौर पर जा सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच है, जो जबरदस्त की टक्कर होने वाली है। दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताएं कि कौन जीतेगा। और दोस्तों इसी दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी कल मैच देखने के लिए आएंगे, और उस पे एयर शो होगा। एयर शो जो भारत के विमान है, भारत के एयरफोर्स के जेट है, वो उड़ेंगे स्टेडियम के ऊपर। कम से कम 10 मिनट का यह शो होगा। यह शो इतना अच्छा लगेगा कि ज़बरदस्त लगेगा। उधर यह शो होगा, उधर विराट कोहली का बल्ला चलेगा, और शुभम गिल और रोहित शर्मा जो कि ऑस्ट्रेलिया की धजिया उड़ाने वाले हैं, तो उनका बल्ला चलेगा। और दोस्तों यह एयर शो कम से कम इतना ज़बरदस्त होगा कि इसको देखने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं। इधर विराट कोहली का बल्ला चलेगा, उधर ऑस्ट्रेलिया का बल्ला चलेगा, दोनों का खतरनाक मैच होगा। उसके बाद एयर शो होगा, तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान वालों के क्या रिएक्शन रहते हैं और पाकिस्तान की मीडिया के क्या रिएक्शन। आइए, एंथनी अल्बरीज को भी न्योता दिया गया है। सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी प्रेजेंट होंगे, वो ही ट्रॉफी देंगे, तो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है। इस फाइनल मैच को यादगार बनाने के लिए एयर शो का भी इंतजाम किया गया है। टॉस के वक्त होने वाला ये एयर शो करीब 10 मिनट तक चलेगा, जिसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम 10 अलग अलग करतब दिखाएगी। भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में वायुसेना की सूर्य किरण टीम ऐसा एयर शो करने जा रही है। लेकिन ये कि यार मतलब जिस तरह से एक हाइप बनी है ना, कमाल यार, और इंडिया की पावर का पिस्से अंदाज लगाए क्रिकेट में। मेन चीज है वो है एयर शो। जी हाँ, इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप के अब तक के विजेता कप्तानों की एक परेड मैदान में होगी। ICC उन सभी कप्तानों को एक खास ब्लेजर गिफ्ट करेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाइट और लेजर शो का आयोजन होगा। इमरान खान के अलावा सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को BCCI और जय शाह जो है वो एक स्पेशल ब्लेजर देंगे वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 1,30,000 क्राउड के सामने सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को ब्लेजर दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान को इनवाइट नहीं किया गया BCCI की तरफ से। हम और आप कौन होते हैं उन पर तनकीद करने वाले। हम अपने गिरबानों में झांकना शुरू करें तो उसके बाद हम ये महसूस करेंगे कि यकीनन ये उनका उनका तुर्रा है, और अगर उनका तुर्रा है और उसको चल रहा है वो तो चलेगा। और ये वर्ल्ड कप बना ही उनके लिए है, तरीका ही उनके पूरा सिस्टम उनके लिए तैयार किया गया है, चाहे कुछ भी हो। वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारियां चल रही है भाई जोरों शोर से, और क्या क्या स्टोरियां आ रही है यार कि मतलब लाखों लाखों में जो है होटल कमरे मिल रहे हैं, और मतलब एयरलाइन टिकट्स इतनी हो गई हैं, जो प्राइवेट
जो मतलब एलीट क्लास के जो लोग हैं बॉलीवुड और बिजनेस और ये वो, उनको जगह नहीं मिल रही है अपने प्राइवेट जेट्स पार्क करने की भाई अहमदाबाद में, मतलब इतनी जगह कम पड़ गई है प्राइवेट जेट्स के लिए। सोचे जरा यार क्या मजे है भाई, इट इज़ गोइंग टू बी अ फंटेस्टिक एनवायरमेंट अहमदाबाद ऑन व्हाट यू कॉल इट संडे। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी है, तो मतलब अजीब एक फिर कुछ चीज़ें प्लान की गई है, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग 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 शो। लेकिन ये कि यार मतलब जिस तरह से एक हाइप बनी है ना, कमाल है यार। और इंडिया की पावर का पैसे अंदाज लगाए क्रिकेट में, दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ यू नो द इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड जय शाह। आई एम नॉट सरप्राइजिंग यार, इतना पैसा जब आपके पास हो, मतलब बेसिकली जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट की इकोनॉमी जो ICC चल रहा हो, ICC की इकोनॉमी भी इसी चीज़ पे चल रही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी इकोनॉमी इस चीज़ पे चल रही हो कि इंडियन मार्केट से कितना पैसा आता है, तो यू कैन देन अंडरस्टैंड कि क्या पोजीशन है BCCI का, कितना स्ट्रांग है। सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी प्रेजेंट होंगे, वो ही ट्रॉफी देंगे, तो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है। उसकी तैयारियां भी बहुत अरूजों के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं क्लोजिंग सेरेमनी किस हद की हो रही है तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को उन्होंने वेल एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है और इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने का फैसला किया। साथ साथ जो इसकी एंडिंग सेरेमनी है वो बड़ी अच्छी होने जा रही है, इसके अंदर काफी सारे बॉलीवुड के स्टार परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, जिन्होंने इसका एंथम गाया था वो भी परफॉर्मेंस करेंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे, ICC ने हर उस कप्तान को बुलाया जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है ताकि वो सारे के सारे आए इस वर्ल्ड कप में शिरकत करें फाइनल के अंदर। ठीक है, साथ साथ अगर बात करें तो जो चीजें होने जा रही हैं, देखिए काफी सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो है एयर शो। जी हाँ, इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं, बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ लाइट शो होना है, फायरवर्क होना है, बड़ा कुछ होना है। जितना बड़ा ये स्टेडियम है, इसके रिंग के ऊपर जब फायर निकलेंगे, फायरवर्क होगा तो बड़ा प्यारा ये लगेगा। वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज तो क्या हुआ, इतने तनाज़ात उसके साथ जुड़ गए, उसकी ओपनिंग सेरेमनी से लेके आज आखिरी मैच तक जो संडे को होने जा रहा है, कहीं उन पर इल्जाम आता है कि उन्होंने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक लिए, कहीं ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के लिए बनाया गया, टेलर मेड किया गया, हिंदुस्तान ने अपना होमवर्क पूरा किया, बिल्कुल उनकी एक प्लानिंग है, उनकी एक अकेडमी है, उनका एक सिस्टम है, उनके यहाँ सियासी बुनियादों पर तकरियां बहुत कम हुआ करती हैं, और सबसे बढ़कर पैसा बोलता है। तो जो बातें आपने कही है कि ICC के फैसलों पे वो नजरअंदाज होते हैं, तो वो पैसे की बुनियाद पर होते हैं और वो उससे हक छीन कर लेते हैं। हक क्या होता है, ना हक छीन के लेते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम और आप कौन होते हैं उन पे तनकीद करने वाले, हम अपने गिरबानों में झांकना शुरू करें तो उसके बाद हमें हम ये महसूस करेंगे कि यकीनन ये उनका उनका तुर्रा है, और अगर उनका तुर्रा है और उसको चल रहा है वो तो चलेगा। और ये वर्ल्ड कप बना ही उनके लिए है, और तरीका ही उनके, पूरा सिस्टम उनके लिए तैयार किया गया है, चाहे कुछ भी। और इमरान खान के अलावा सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स को BCCI और जय शाह जो है वो एक स्पेशल ब्लेजर देंगे वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 130,000 क्राउड के सामने सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स को ब्लेजर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान को इनवाइट नहीं किया गया BCCI की तरफ से, क्लाइव लॉयड वहां पर होंगे, कपिल देव होंगे, एलन बॉर्डर होंगे, अर्जुन रानाटुंगा भी होंगे, स्टीव वॉ होंगे, रिकी पॉन्टिंग होंगे, MS धोनी वहां पर मौजूद होंगे, माइकल क्लार्क मौजूद होंगे, ओयन मॉर्गन मौजूद होंगे, लेकिन सिर्फ इमरान खान जो पाकिस्तान के अक्लौते विनिंग कैप्टन 1992 के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जिन्होंने उठाया था पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। बाकी सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा वहां पर, उनकी जो है शान में ब्लेजर उनको दिया जाएगा, सेरेमनी रखी जाएगी वहां पर वर्ल्ड कप फाइनल से पहले, उनको वहां पर गिफ्ट किया जाएगा BCCI और ICC की तरफ से, जय शाह साहब की तरफ से, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन वहां पर मौजूद नहीं होगा। और इसमें हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारी अपनी जो है वो गलती है जो सामने आ रही है, तब हम लोग BCCI या जय शाह या ICC पे नहीं मलबा या ब्लेम डाल सकते, वरना पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान जो है वो वहां मौजूद होता, जैसे वो कलकत्ता में मौजूद थे 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया पाकिस्तान का मैच कलकत्ता में था, वहां पर मौजूद थे, वहां पर इमरान खान थे, वहां पर अमिताभ बच्चन थे, वकार यूनस, वसीम अकरम, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये सब मौजूद थे, लेकिन इस दफा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेट है, दिल टूट रहा है, दिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। कमेंट खान साहब ऑब्वियसली अपनी वजूहात की वजह से नहीं जा सकेंगे वहां पर, नहीं अटेंड कर सकेंगे वो सेरेमनी, और बहुत ज्यादा दिल दुखेगा पाकिस्तानियों का जब वो सारे कप्तानों को देखेंगे ब्लेजर के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफीज के साथ, सिर्फ पाकिस्तान के कप्तान वहां पर नहीं होंगे। वैसे जकी अशरफ साहब वहां पर मौजूद होंगे जो PCB के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वहां पर सलमान नसीर CEO PCB के मौजूद होंगे,
अहमदाबाद में, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी वहां पर होंगे, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी उस दिन सेरेमनी देखे हम भी होंगे, पाकिस्तानी फैंस भी होंगे, जब पाकिस्तान का एक ही विनिंग कैप्टन वहां पर मौजूद नहीं होगा। तो ये जरा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो हम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर होने वाली है और जो ये मैच होगा ये गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वहाँ पर नरेंद्र मोदी आएंगे और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे और जो होगा एयर शो होगा, ज़बरदस्त एयर शो होगा। उसके बाद कम से कम ये 10 मिनट का शो होगा, उसके बाद जो एयरफोर्स अपने स्टाइल से अपना शो करेगी, उसके बाद मैच चलेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत आपस में टक्कर होगी। और दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस मैच में कौन जीतेगा, और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।